फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनेती में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं इडलियाँ। इडलियाँ आपने बहुत खाई होंगी, सूजी की, चावल की, लेकिन स्टफ इडली किस तरीके से बनाई जाती है सोच रहे होंगे, बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इजी है। आप किसी बोल में, इडली के स्टैंड में या फिर बाउल में बना सकते हैं। तो फटाफट चलिए शुरू कर लेते हैं स्टफ इडली बनाना। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर सूजी, बारीक सूजी ले लीजिए। अगर ना मिले तो आप उसको क्या करेंगे, ग्राइंडर में डालकर चला लेंगे। तो एक कप सूजी ली है और एक कप डालेंगे हम इसमें दही। दही खट्टी होगी तो भी चलेगा और फ्रेश होगी तो भी चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिना लम्स के, कोई भी गांठे नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर ली है, 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं लगभग 2 मीडियम साइज के, और मैंने चॉप ऑनियन ले ली है। अब ले लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, करी पत्ता डाल देते हैं और अब डालेंगे थोड़ी सी ऑनियन। अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हमें इनको कुक नहीं करना है, थोड़ा सा बस कच्चापन निकालना है, थोड़ा क्रंची ही चाहिए इसमें प्याज। इसके बाद जो पोटैटो हैं वो डाल लेंगे। कद्दूकस भी कर सकते हैं आप, मैश भी कर सकते हैं। अब डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ में जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 पिंच इसमें जाएगी हींग। अब जाएगा इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लगभग 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये हमारी जो स्टफिंग है, तो बढ़िया सी स्टफिंग इडली की तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर इडली का स्टैंड, जिसको हम ऑयल से ग्रीस कर ले रहे हैं। इसके बाद जो हमारा बैटर हमने सूजी को मिक्स करके रखा था, उसमें थोड़ा सा सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। और उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि ये अभी काफ़ी थिक हो चुका है, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो हम इसको थोड़ा सा पानी की हेल्प से थोड़ा लिक्विड कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। और अब हम इसमें, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं, तो हम इसमें 1 टीस्पून इनो डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा बनाकर मिक्स करके रख देते हैं थोड़ी देर में बनाएंगे, तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून डालना है। तो अभी हम इसमें डालकर मिक्स करके शुरू करते हैं प्रोसेस। इनो डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में हमको इसको मिलाना है और ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी क्या करना है, हमने ले लिया है ये इडली स्टैंड और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर डालने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी आलू वाली, उसको छोटा छोटा हम बॉल बनाकर हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। वापस बैटर डाल देते हैं। इसी तरीके से सारे जो हमारे मोल्ड हैं उसमें हमें इस तरीके से ही डाल देना है, पहले बैटर और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी स्टफिंग, फिर वापस बैटर। और इसको अब हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टीमर रख दिया था गर्म होने के लिए, या फिर कढ़ाई या भगोने जिसमें भी आप बनाना चाहें, आप उसमें इसको पहले प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। मैंने पहले ही रखा हुआ है, अब हम इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं। मैंने ऑलरेडी प्री हीट करा हुआ है और ये मैंने रख दिया स्टैंड, और लगभग हम 15 मिनट्स इसको
स्टीम करेंगे, फिर हम इसको चेक करते हैं। तो फूली फूली स्टफ्ड इडली बनकर तैयार हो गई हैं और मैंने इसको 15 मिनट स्टीम करा था, निकालने के बाद ठंडा कर लिया है और अब हम इसको डिमोल्ड कर देते हैं। ये देखिए बड़ी इजीली हमारा निकल गया है, इसके अंदर से स्टफिंग थोड़ी सी दिख भी रही है और ये हमारी स्टफिंग अच्छे से भरी थी हमने। तो ये हमारी स्टफ इडली तैयार है। तो इसे हम कैसे सर्व कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा लेते हैं एक हल्का सा तड़का। तो जब तक हमारा ऑयल गरम होता है तब तक हम अपनी एक स्टफ इडली काट के देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारी ये सॉफ्ट सॉफ्ट इडली इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए वो बहुत ही सॉफ्ट भी है, जिसको आप चटनी या सांभर किसी के साथ भी खाइए या फिर ऐसे भी खा सकते हैं टी टाइम स्नैक्स। तो अभी हम चलते हैं अपने ऑयल की तरफ और इसमें डालना है हमें थोड़ी सी राई। तो इसके बाद हम डाल लेंगे राई के बाद कड़ी पत्ता और इसको भी मतलब गैस पर कड़ी पत्ता डालेंगे बाद इसको गैस को फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं हम अपनी इडली की तरफ। तो ये हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट स्टफ्ड इडली बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, फटाफट बन जाने वाली। ये हमारी रेसिपी है जिसे हम नारियल की चटनी से बनाकर सर्व कर रहे हैं। तो आप भी खाएं और एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।